नमस्कार दोस्तों, सीमा गुप्ता लाइफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं देखिए, मेरा व्रत है तो मैंने आज उपवास रखा है। तो नवरात्रि का आज आठवां दिन है तो मैंने यहाँ पर आलू उबाल लिया है। तो अपने नाश्ते के लिए मैं खाने में यही बनाऊँगी आज व्रत में। तो ये देखिए, आलू मैंने उबाल लिए हैं, आलू हमारे उबल चुके हैं। ये देखिए, मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे छील लेती हूँ। तो एक आलू देखिए मैंने छील लिया है, तो और भी आलू मैं इसी तरह छील लूँगी। तो ये देखिए, सारे आलू मैंने छील लिए हैं, छील कर रेडी कर लिए। अब इसे मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे पीसेज में मैं इन्हें काट लूँगी इसी तरह। ये देखिए, इसी तरह मैं सभी आलूओं को अच्छे से काट लेती हूँ। देखिए, इसी साइज में हम आलू को काट लेंगे। सभी आलू मैंने काट लिए हैं, आलू काट कर तैयार कर लिया। अब यहाँ पर गैस जला दिया मैंने, कढ़ाई को रख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ये देखिए सभी तैयारियां कर ली हैं। उसमें डालने के लिए जीरा लिया है मैंने, हरी मिर्च, तीन हरी मिर्च काट कर लिया है, हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, और एक टमाटर लिया है, और सेंधा नमक लिया है व्रत वाला। तो कढ़ाई में हम घी डाल देते हैं। तो घी मैंने डाल दिया, घी हमारा गर्म हो रहा है। तो ये देखिए, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी में डाल देते हैं हम जीरा। तो जीरा मैं डाल दूंगी, जीरा हमारा चटकने लगा। तो अब इसी में हम हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च को डाल दिया हमने, हरी मिर्च हमारी होने लगी, ये देखिए। तो इसे भी हम चला लेते हैं। तो अच्छे से इसे हम चला देंगे। तो हरी मिर्च हमारी हो गई है, तो इसी में अब हम डाल देंगे टमाटर। तो ये देखिए, टमाटर भी इसी में डाल देंगे, ये भी इन्हें भी थोड़ा सा भून लेते हैं। तो हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं, गलाएंगे नहीं, बस इसी तरह। तो अब इसी में आलू डाल देते हैं। तो आलूओं को भी हम अच्छे से धीरे धीरे भूनेंगे इसे धीमी आंच पर। तो सब आलूओं को मैं भी इसी में मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। तो मैं इसी तरह व्रत में बनाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे इसी तरह बना लेती हूँ। तो इसीलिए चला देती हूँ इस तरह से। इसमें नमक डाल दूँगी मैं स्वाद अनुसार व्रत वाला। तो नमक मैंने डाल दिया, नमक को भी अच्छे से चलो मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मिक्स कर ले रही हूँ मैं नमक को अच्छे से। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इसे चला देते हैं। ये देखिए, अब इसे हम ढक देंगे और इसी में हरी धनिया डालकर तब ढकेंगे। तो धनिया मैंने डाल दी है, धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम आलूओं में और अच्छे से चला देते हैं। और इसे इसी तरह इसी स्टेज पर ढक देते हैं। तो इसे एक मिनट या दो मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, हमारा बनकर रेडी हो गया आलू का नाश्ता व्रत वाला। तो बिल्कुल सिंपल है और इजी है, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा आलू का नाश्ता व्रत वाला। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, खाने में तो और भी टेस्टी लगता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट